नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बच्चों के लिए ला रहा हूँ। अब हमारा जो देश का मैप है उसमें जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज में बढ़ चुका है। इट हैज़ बाइफरकेटेड इंटू टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो अब दो यूनियन टेरिटरीज में बढ़ चुका है, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो RIMC हो, RMS हो या सैनिक स्कूल हो, और अदर एग्ज़ाम्स में भी ये इन डिटेल पूछा जा सकता है। तो अब टोटल कितने स्टेट्स हो चुके हैं बेटा? अब टोटल 28 स्टेट्स हो चुके हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, तो एक स्टेट हट गया है, 28 स्टेट्स और दो यूनियन टेरिटरीज ऐड हो चुके हैं, तो 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के। तो अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। अगर मैं बात करूँ लद्दाख की, तो वहाँ पर राधा कृष्ण माथुर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। उसके अलावा ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो ये दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ वो यूनियन टेरिटरी बना है और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कौन से यूनियन टेरिटरी में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट।